कम बैक टू माई चैनल। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो बड़े समय के बाद यहाँ से उठ रही हूँ, तो पैरों में थोड़ी जकड़न आ गई है, बुढ़ापा आ गया है। नहीं यार, अभी तो नहीं आया है, अभी तो बुढ़ापा नहीं आया है। ऐसे ही हंस रही हूँ, इसलिए मैं डांटी गई थी 2-3 दिन पहले। तो मैंने यहाँ पर ढेर सारा चीज़ रखा है साफ़ करके, इनको हटाने हैं। और अभी मैं चल रही हूँ किचन में, और किचन में चल के मैं क्या क्या बनाऊँगी वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ आलू जो मैंने साफ़ करके रखा है। मैं यहाँ पर छोटे छोटे जो मिर्च हैं इसको ले लेती हूँ। और यहाँ पे हम ले लेते हैं चाकू, और अब हम चल देते हैं किचन की तरफ। तो हम फाइनली आ चुके हैं किचन। तो पहले तो हम यहाँ पे मिर्च जो है इस वाले उसमें रख दिए हैं छोटी सी टोकरी में, और उसके बाद हम करने वाले हैं क्या वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। आप लोग अभी तो मैंने खाना बनाने है स्टार्ट ही नहीं किया। जल्दी ना, पापा नींद आ रही है। पापा का दर्द नहीं, सो ले। वो तो बना है। और डाटा का पेपर है ना। हाँ, तो फिर मैंने ये वाली कढ़ाई ली और हस्बैंड को आ रही है नींद, तो मैंने कढ़ाई रख दिया है। और उसके बाद मैं कढ़ाई रखने से कोई मतलब तो होगा नहीं जब तक हम गैस ऑन नहीं करेंगे। तो हमारा गैस जो है ऑन हो चुका है, तो अब सूस अटाक से हमें मिर्च कट कर लेनी है, नहीं तो फिर हमारा जो गैस ऑन हुआ है ना फिर भैया प्रॉब्लम कर देगा। कढ़ाई जो है पतली है, चलेगा ना थोड़ा सा, तो जल्दी जल्दी से कढ़ाई हीट करना शुरू कर देगा। तो मैं यहाँ पे सूप सटाक से लग गई हूँ अपने काम में। जो मिर्च है उसको मैं कट करूँगी, और मुझे थोड़ा थोड़ा ठंडा भी लग रहा है, थोड़ा 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 ठंडा लग रही है। हमारा मिर्च यहाँ पे देख लीजिए कट चुका है, और कढ़ाई में थोड़ा सा बचा हुआ है पानी। तो जैसे ही ये देखिए थोड़ा सा बचा पानी था तो उसको मैंने हटा दिया है। और बताए, मैं सोच रही हूँ पोहा बना देती हूँ। जब तक पोहा बनाऊंगी तब तक ये लोग खा लेंगे। मैं इसको ज़्यादा हीट नहीं करेंगे, इसलिए कि आप समझ सकते हो कि मैं इसको बहुत ज़्यादा हीट नहीं कर पाऊँगी। क्यों? क्योंकि क्योंकि बहुत चिटकेगा ना, तो फिर ज़्यादा मुझे ज़्यादा ही प्रॉब्लम होने वाली है। तो मैं सबसे पहले क्या डाल लूँगी, मटर, क्योंकि आलू मुझे कट करने में टाइम लगेगा। तो मैंने ले लिया, वैसे हमें जल्दी जल्दी करते करते इसलिए मिर्च को कम पकाती हूँ। मतलब जो झार आना शुरू हो जाता ना तो फिर मुझे प्रॉब्लम होती है। और मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ आलू, और आज मैं बनाने वाली हूँ क्या वो मैं, अगर आप कंटिन्यू व्लॉग में रहेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा मैं क्या बना रही हूँ।
ये बड़ी साइज के आलू है तो बड़ा ताकत लगाना पड़ रहा है। तो सबसे बड़ा दुश्मन मेरा कौन कौन है? सबसे बड़ा दुश्मन मेरा कौन है बताइए? आप बताएं, आप बताएंगे कि हम बताएं? हम ही बता देना। आपको कैसे पता कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आलू मेरा कट चुका है तो हमने डाल दिया एक इसमें मटर में, जो कि काफ़ी हद तक हमने पका लिया है आप मटर को। और अब इसमें हम ऐड करने वाले हैं नमक। आप इसको कंटिन्यू रहेंगे बता देंगी आपको कौन है। अरे यार, एक हाथ से मैं नमक खुलेगी नहीं, तो मैंने ये देखिए रखा है साइड में, खुल गया। मैं हो गई कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, थोड़ा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, होंगे कामयाब एक दिन। तो सफर कट जाता है हंसते हंसते। तो ये क्या है? ये तो मेरा, तो मेरा सबसे बड़ा कौन दुश्मन है आपको बता देती हूँ। मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है मिर्च। जैसे ही मैं छोंक लगाती हूँ वैसे मुझे आने लगती है बहुत ही ज़ोरों की छींक, बहुत ज़ोरों की छींक आती है। इसके वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत सहनी पड़ती है। देखिए, एक हाथ से मैं इसको बंद करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन वो बंद नहीं हो रहा है। तो मैं यहाँ पे ऑन करती हूँ नल और इसमें भरती हूँ पानी एक कप। और ये जो वाला कप मेरा बहुत ही अच्छा है, प्लास्टिक का है और मेरे बच्चों के लिए आया था गरम गरम दूध पीने के लिए। लेकिन कहते हैं प्लास्टिक में नहीं पिलाना चाहिए, तो मेरे बच्चे छोटे छोटे था, बस अभी की बात नहीं है। तो मैंने यहाँ पर सब्जी को फिर से मैं चला दे रही हूँ और इसमें मैं डाल दे रही हूँ पानी थोड़ा सा। अब मैंने नमक ऑलरेडी डाल दिया है, हल्दी मुझे डालनी है तो हल्दी मोबाइल इधर करती हूँ, फिर उसके बाद हल्दी डालूंगी और स्लो मोशन में इसको पकने दूंगी। पहले हल्दी डाल देती हूँ और उसके बाद तब तक हम बाहर का दिया जला देते हैं। बाहर का दिया जल जाएगी तब हम आएंगे तो इसमें चूड़ा धुल के डालेंगे। तो हमने ले लिया मसालदानी और हम डालने वाले हैं मसालदानी से हल्दी। ये देखिए मैंने ले लिया है हल्दी और हम इसमें डाल देंगे। और मैंने आपको कहा था ना शुरू में ही ब्लॉग में कहा था कि आपको पता चल जाएगा, अगर आप कंटिन्यू ब्लॉग देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि मैंने इस टाइम मुझे मैं क्या बना रही हूँ। तो इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी और ये हो जाएगा नाश्ता तैयार सबके लिए, मेरे लिए भी सबके लिए। और मैं यहाँ पे निकाल लेती हूँ चूड़ा। चूड़ा निकालने के लिए मुझे पीढ़ा चाहिए, तो जो कि पीढ़ा मैं बाहर छोड़ के आई हूँ। तो ये है मेरा पीढ़ा जो कि सीढ़ी का भी काम करता है। जैसे कि हम अगर कोई चीज़ टार्प से निकालना है तो छोटा सीढ़ी वीढ़ी का होता है ना, तो हमारा ये पीढ़ा जो है बहुत ही प्यारा सा है, बैठने का काम देता है। यहाँ पे दो मतलब टाँडपर से कोई भी चीज़ निकालना है तो वो बड़ी आसानी से हम निकाल लेते हैं। ये देखिए ऊपर वाले भाग में तो हमने रखा पीढ़ा और देखिए इतनी लंबी हो गई। ये देखिए मैं यहाँ पहुँच आई तो मेरा चूड़ा निकल गया। ओ माय गॉड, तो चूड़ा हमको लग रहा है थोड़ा सा कम होगा। तो एक कंटेनर मैंने वहाँ पर रखा है जो कि मैं चूड़ा का सबसे बड़ा कौन सा दुश्मन है मेरा वो तो आप जाने लिए सबसे बड़ा कौन दुश्मन है। और मैंने यहाँ पे मुझे वो वाला भी कंटेनर निकालना है, थोड़ा सा उसमें से चूड़ा निकालना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।
बाय।